पुलाव गोश्त की यखनी में दम किए हुए चावल को कहते हैं और इस्लामाबाद में बिरयानी को। कराची में बिरयानी के बाद अगर अच्छा पुलाव कहीं मिल जाए तो ये एक नेमत से कम नहीं है। लजीज यखनी में खिले हुए चावल और बोटी ऐसी मुलायम के हाथ लगाते ही रेशा रेशा हो जाए। मुनासिब गरम मसाले की यखनी या फिर हो हरे मसाले का झोल, ये दोनों पुलाव कॉम्बिनेशन अपने ही आप में स्टार होती हैं। तो आप सबकी रिकमेंडेशन पे मेटा फूड आ गया है शर्फाबाद। इस दुकान पे जब ताज़ा देख जैसे ही खुली है, खुशबू तो हमें ऐसे खींच के ले गई कि हमें हर हाल में यहाँ पे पुलाव ऑर्डर करना ही पड़ा। तो हमने भी लगे हाथों 320 रुपए का पुलाव कर लिया है ऑर्डर। देखते के साथ अगर फर्स्ट इम्प्रेशन पूछा जाए, चावल काफी खिले हुए थे, गोश्त काफी मुलायम और नरम था। अब बारी आती है टेस्ट की कि टेस्ट में कैसा था। तो मैं जहाँ पे बैठ रही हूँ, ये इनका यहाँ पे सीटिंग एरिया है, ठीक है। अच्छा, इनके पास ना और भी बहुत सारी वैरायटीज हैं, सिर्फ पुलाव और बिरयानी नहीं है, फास्ट फूड ऑप्शंस भी हैं और इनके पास देसी चाइनीज़ भी है जो कि लगता है रात को। लेकिन मुझे तो प्लेन पुलाव की ओरिजिनल, बिकॉज मैंने कंपेयर करना है हमारा स्ट्रीट फूड वाला पुलाव हैदराबाद के इस शॉप वाले पुलाव से। एंड लेट्स सी के रिजल्ट कैसा आता है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ऊपर भी हैं और थोड़ी सी नीचे भी है, क्योंकि नादरा वाले ने तो बहुत एक्सपेक्टेशन दायर कर दी। तो खैर, बस खाने का ऑर्डर मैंने दे दिया और जल्दी से जैसे खाना आएगा आई विल ऑर्डर यू। और हमारा पुलाव यहाँ पे आ चुका है गर्मा गर्म। यहाँ पे पुलाव है, सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लग रही है ना यार, इसकी बोटी इतनी कोई नरम है कि एक एक रेशा जो है ना वो इसका ऐसे अलग हो रहा है यहाँ पे, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। नाइस। तो यार इसको हम खाते हैं, बिस्मिल्लाह। ये हमने बनाया फुल बड़ा सा पीस, बहुत फाटी है ये। और इसके ऊपर मैंने रखा है, एज यू नो आई एम गोना ईट इट नाउ। माइल्ड स्पाइस है, बोटी बहुत अच्छी गली हुई है, रेशा रेशा और ये बकायदा मेरे हाथ इस वक्त इतने चिपचिपे हो रहे हैं, क्योंकि इसकी जो यखनी बनी हुई है वो इतनी कोई रिच यखनी है जैसे पाई की होती है वैसी वाली। तो फॉर मी 4 out of 5, और जिसकी बोटी का टेस्ट है उसको भी मैं 4 out of 5 दूँगी। स्पाइस मेरे हिसाब का नहीं है, बहुत माइल्ड है, बहुत बहुत ज़्यादा माइल्ड है। अगर इसका थोड़ा सा स्पाइस लेवल ज़्यादा होता तो मैं 5 में से 5 देती, लेकिन अदरवाइज। और एक चीज़ और, पुलाव में अगर ऊपर से आपकी ब्राउन अनियन हो ना, वो जो ब्राउन फ्राइड अनियन होती है, वो इतना कोई मज़ा देती है ना पुलाव को, लेकिन इसके अंदर उन्होंने वो ये चीज़ नहीं डाली है। तो ये मेरा सजेशन है उनको कि कल को अगर वो अपना पुलाव सर्व करें तो ये चीज़ ज़रूर करें कि वो जो ब्राउन फ्राइड अनियन होती है वो ज़रूर इसके साथ दें, क्योंकि वो बहुत अच्छा मज़ा कराती है। अच्छा भाई, मैं आलू वाला यहाँ पे बना रही हूँ एक लुकमा। ये रही मेरी बोटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मुझे सबसे अच्छी बात ना इस पुलाव की एक चीज़ लगी कि इसका जो यखनी है ना, वो यखनी बिल्कुल इस तरह की, ये देखें एकदम चिपचिप जैसी पाए की होती ना, वैसी इसकी यखनी है जिस यखनी में ये पुलाव बना है। तो ये परफेक्ट कोको हुआ है। बट मुझे सिर्फ एक चीज़ का मसला है, जो नादरा वाला पुलाव था वो एक्स्ट्रा क्रेजी स्पाइसी था, क्योंकि हरे मसाले का बना हुआ था। ये हरे मसाले का है, लेकिन ये ज़्यादा हरे मसाले का नहीं है, ये ज़्यादातर गर्म मसाले का है। तो अगर मैं उसको और इसको कंपेयर करूँ तो मेरे हिसाब से नादरा वाला इज़ ऑन द टॉप। पर हाँ, अगर जो लोग माइल्ड स्पाइस खाते हैं उनके लिए ये वाला डिटेल ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और ब्लॉग्स इतने हैं तो कमेंट में लो और अपनी फेवरेट लोकेशन बताओ ताकि मैं जाके वहाँ रिव्यू करूँ। आपसे मुलाकात होती है एक और से अमेजिंग से फूड एडवेंचर पे। दिस इज मी हिरा साइनिंग ऑफ फ्रॉम वेयर इज द फूड। खुदा हाफिज़।